बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम सायरा अंबर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी इंग्लिश फॉर क्लास टू एंड दिस इज़ माय फर्स्ट लेक्चर फॉर यूनिट नंबर थ्री, साउथ एंड हिज ग्रैंडफादर। फर्स्ट वील स्टार्ट रीडिंग दिस यूनिट, साउथ एंड हिज ग्रैंडफादर। इसकी हमने सबसे पहले रीडिंग करनी है और इसको समझना है कि इस यूनिट में साउथ और इसके ग्रैंडफादर के बारे में क्या बताया गया है। इट इज संडे मॉर्निंग, संडे इतवार को कहते हैं, मॉर्निंग सुबह को, इतवार की सुबह है। संडे इज, साउथ इज इन हिज ग्रैंडफादर्स गार्डन, साउथ अपने दादा के बाग में है। हिज ग्रैंडफादर इज प्लांटिंग अ सीडलिंग, उसके दादा एक बीज लगा रहे हैं। He loves greenery all around. उनको अपने इर्द गिर्द सब्जा बहुत पसंद है। Good morning, grandfather. दादा जान, good morning. What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? Ask South. South ने पूछा। Good morning, South. South, good morning. I am planting a seedling. मैं एक बीज लगा रहा हूँ। He replies. उसने जवाब दिया। South becomes curious. साउथ बहुत शौक से उसको देखने लगा। कैन यू प्लीज टेल मी हाउ टू प्लांट अ सीडलिंग, क्या आप मुझे बता सकते हैं बीज किस तरह लगाते हैं? आस्क साउथ, साउथ पूछता है। यस, बिल्कुल, जी हाँ, श्योर। कम सिट विद मी सो यू कैन लर्न द स्टेप्स टू प्लांट अ सीडलिंग, आओ मेरे साथ बैठो ताकि मैं आपको एक बीज लगाना सिखा सकूं। Says grandfather, दादा जान कहते हैं। This is what grandfather tells. उसके दादा जान ने उसे ये बताया। Number one, dig a hole in the soil and plant a seedling. मट्टी में एक गड़ा खोदें और उसमें बीज को डाल दें। Number two, spread a little soil around it. उसके इर्द गिर्द थोड़ी सी मट्टी फैलाएं। उसको मुकम्मल तौर पे मतलब मट्टी से ढांप दें, लेकिन उसको दबाना नहीं है, उसको ढांपना है, स्प्रेड करना है, फैला देना है। थ्री, स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, इसके ऊपर कुछ पानी का छिड़काव करें। स्प्रिंकल कहते हैं थोड़ा सा पानी के छिड़कने को। नाउ द नेक्स्ट पेज, नंबर फोर स्टेप, वाटर इट रेगुलरली, इसको बाकायदगी से पानी फिर देते रहें। आफ्टर अ फ्यू वीक्स, कुछ हफ्ते गुजरने के बाद, द सीडलिंग विल ग्रो एंड टर्न इन टू अ यंग प्लांट, बीज बढ़ेगा और एक छोटा सा पौधा बन जाएगा। साउथ थैंक्स हिज ग्रैंडफादर, साउथ ने अपने दादा जान का शुक्रिया अदा किया। ही टेल्स हिज ग्रैंडफादर दैट ही विल टेक केयर ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली, उसने अपने दादा जान को बताया कि वो इस बीज की देखभाल करेगा और इसे रोजाना पानी देगा। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि साउथ एंड हिज ग्रैंडफादर के चैप्टर में साउथ अपने दादा जान के घर जाके इतवार के दिन क्या कर रहा है, वो दादा जान से उसकी बातचीत क्या होती है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। फिर हम इसके एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। सबसे पहला स्टेप है एक्सरसाइज का वोकैबुलरी। वोकैबुलरी कहते हैं कि लफ्जों के बारे में जानना या जो इंग्लिश की मुश्किल अल्फाज हैं उनके बारे में आपको पता हो, उनकी नॉलेज हो आपके पास कि आपने उनके मीनिंग्स या उन अल्फाज को बोलना कैसे है। सबसे पहला है रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स, जो लफ्ज दिए हुए हैं इनको पढ़ें और फिर इनके मानी को समझें, पढ़ के समझें इसको। पहला लफ्ज है सीडलिंग, अ स्मॉल प्लांट दैट ग्रोज फ्रॉम अ सीड, एक छोटा सा पौधा जो एक बीज से निकलता है उसको हम सीडलिंग कहते हैं। सीड बीज होता है और सीडलिंग होता है जिसके अंदर से थोड़ा सा बीज फट के पौधे का किनारा निकला हुआ होता है, उसको हम सीडलिंग बोलते हैं। डिग टू मेक अ होल, डिग का मतलब कोई गड़ा खोदना, खोदना, अब खोदेंगे जब, डिग का मतलब होता है प्रॉपरली खोदना, तो खोदेंगे तो जाहिर है आप गड़ा ही खोदेंगे, उस तरह से कोई चीज निकालेंगे, मिट्टी को निकालेंगे और एक गड़ा बनाएंगे जिसमें आप सीडलिंग डालेंगे, दैट इज टू डिग, डिग टू मेक अ होल। स्प्रिंकल टू पोर सम स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड, स्प्रिंकल का मतलब होता है छिड़काव करना, मतलब पानी का छिड़काव करना, छोटे छोटे से कतरे पानी के ऊपर गिराना। उसके बाद फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स नेम, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के नामों को आपने पढ़ना है, ये भी वोकैबुलरी में आते हैं कि ये फ्रूट्स के नेम्स
आपके जहन में होने चाहिए। ये तस्वीरें बनी हुई हैं और उनके नीचे उनका नाम लिखा हुआ है। जैसे फर्स्ट पिक्चर बनी है एप्पल, सेकंड पे मैंगो, थर्ड ऑरेंज, फोर्थ पे बनाना है और फिफ्थ पे पीच है। एप्पल सेब को कहते हैं, मैंगो आम, ऑरेंज माल्टा, बनाना केला, पीच आड़ू। फिर नीचे वेजिटेबल्स बनी हैं, कैरेट, कैरेट मींस गाजर, टोमेटो टमाटर, ब्रिंजल बैंगन, पोटैटो आलू, अनियन प्याज। सो दिस इज योर वोकैबुलरी एंड आई होप दैट यू हैव लर्नड इट अप क्विकली एंड यू हैव लर्नड इट ऑल। और आपको ये मेरी बात समझ आ गई होगी कि वोकैबुलरी ऐसे अल्फाज का मजमुआ होता है जिनको आपने जहन में रखना होता है उनके मानी को समझ कर। सो नेक्स्ट पेज पे अब हम जाएंगे, उस पे देखिए आपकी एक्सरसाइज में है नंबर थर्ड, वोकैबुलरी का थर्ड एक्सरसाइज है, राइट द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। एक बास्केट है, बास्केट के अंदर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखी हुई हैं। तो फर्स्ट पे देखिए फ्रूट है एप्पल, एप्पल के साथ पोटैटो रखा हुआ है, फिर बनाना है और बनाना के साथ कैरेट है। इन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को आपने एरोज के साथ उनका नेम लिखना है और इनको लर्न करना है। नेक्स्ट उससे नीचे आइए, कॉम्प्रिहेंशन है। कॉम्प्रिहेंशन में हम आपने इस एक्सरसाइज है कि आपने इस लेसन को कितना समझा है। यू हैव टू कॉम्प्रिहेंड द लेसन, सो हेयर यू आर गोइंग टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इन सवालों के आप जवाब देंगे जो आपके लेसन में से लिए गए हैं, तो आप उसको समझेंगे कि क्या अगर आपको समझ आ गई है तो आपको आसानी से इनका जवाब मिल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज ग्रैंडफादर डूइंग, आप दादा जान क्या कर रहे हैं। लेसन आपने पढ़ा है साउथ एंड हिज ग्रैंडफादर, उसमें दादा जान क्या कर रहे हैं। आंसर है ग्रैंडफादर इज प्लांटिंग अ सीडलिंग, दादा जान एक बीज लगा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज द थर्ड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग, बीज लगाने का तीसरा स्टेप क्या बताया गया है। आपने लेसन में पढ़ा था द थर्ड स्टेप टू प्लांट अ सीडलिंग इज स्प्रिंकल सम वाटर ऑन इट, के पानी जब आप पौधा बीज लगा के गड़ा खोद के बीज लगा के उसके ऊपर मट्टी बराबर करेंगे तो फिर थोड़ा सा पानी का छिड़काव करना है उस पे। क्वेश्चन नंबर थ्री, हु लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड इन द स्काई इन द स्टोरी, मतलब इस स्टोरी में कौन है जिसको अपने इर्द गिर्द सब्जा पसंद है। ग्रैंडफादर लव्स ग्रीनरी ऑल अराउंड, दादा जान को अपने इर्द गिर्द सब्जा बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट डज साउथ प्रॉमिस हिज ग्रैंडफादर टू डू, साउथ ने अपने दादा जान से क्या करने का वादा किया। साउथ प्रॉमिसेस हिज ग्रैंडफादर टू टेक केयर ऑफ द सीडलिंग एंड वाटर इट डेली, साउथ ने अपने दादा जान से वादा किया कि वो बीज की देखभाल करेगा और इसे रोजाना पानी देगा। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ द प्लांट्स अराउंड यू, अब आपसे पूछा गया है कि आप अपने इर्द गिर्द जो पौधे हैं उनकी कैसे देखभाल करेंगे। तो इसका आंसर है जो मेरे मैंने लिखा है, मैं लिखूंगी कि आई विल वाटर द प्लांट्स डेली, कि मैं उनको रोजाना पानी दूंगी। अब आप पे है, आप उनको रोजाना पानी देंगे या उनकी देखभाल करेंगे और उनको किस तरह से बड़ा होने में मदद करेंगे, उनको खराब नहीं करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज पेज नंबर 20। पेज नंबर 20 पे आपके फोनिक्स हैं। फोनिक्स में आज आपने डायग्राफ्स और कॉन्सोनेंट्स के बारे में पढ़ना है। तो उसके बारे में, फोनिक्स के बारे में जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। आपने अल्फाबेट्स पढ़े हैं, ए से लेके जी तक तमाम अल्फाबेट्स पढ़े हैं। उन अल्फाबेट्स में ए ई आई ओ यू, ये पांच लेटर्स वोवल्स हैं। इन वोवल्स के अलावा जितने लेटर्स हैं बी से लेके जी तक, बी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई एंड जी, ऑल अल्फाबेट्स एक्सेप्ट वोवल वोवल्स आर कॉन्सोनेंट्स। तो आपने जहन में ये बात रखनी है कि वोवल्स के अलावा जितने अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, ये बात आपने जहन में रखनी है। सो इसके बाद आपको कॉन्सोनेंट्स के बारे में जानने के बाद अब हम आएंगे, हमारा टॉपिक नंबर डी है पेज नंबर 20 पे, फोनिक्स। फोनिक्स में सबसे पहली बात जो उन्होंने आपको बताई है वो है डायग्राफ। अब डायग्राफ आप देखिए, स्मॉल सा आपका बना हुआ है रीड मी का बॉक्स। रीड बी में आपने लिखा हुआ है सम पेयर्स ऑफ लेटर्स मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड, दीज आर कॉल्ड डायग्राफ्स। कुछ पेयर्स ऑफ लेटर्स होते हैं जो एक सिंगल आवाज निकालते हैं। पेयर ऑफ लेटर्स मतलब दो लेटर्स मिलके एक सिंगल आवाज निकालते हैं, उनको हम डायग्राफ्स कहते हैं।
जब आप डायग्राफ्स आपके बात पढ़ते हैं तो आपके जहन में डाई से ये बात आनी चाहिए कि ये दो लेटर्स होंगे, डाई का मतलब ही दो होता है, दो लेटर्स होंगे जो मिलके एक आवाज निकालेंगे, उसको हम डायग्राफ कहेंगे। नाउ रीड एंड से द गिवन डायग्राफ्स इन इनिशियल एंड फाइनल पोजिशन। अब डायग्राफ दो पोजिशन पे होता है, इनिशियल कहते हैं शुरू और फाइनल कहते हैं आखिर। अब देख लीजिए आपके पास तीन डायग्राफ्स दिए गए हैं, च श एंड थ, सी एच फॉर च, एस एच फॉर श एंड टी एच फॉर थ। दीज आर फोनिक्स, फोनिक्स यानी इनकी आवाजें, इनके साउंड्स हैं। सी एच च की आवाज निकालेगा, एस एच श की आवाज निकालेगा और टी एच थ की आवाज निकालेगा। अब सी एच की इनिशियल और फाइनल साउंड्स के लिए जो आपको एग्जांपल्स दी गई हैं, इनिशियल में देखिए लिखा हुआ है चेज चाम, सी एच शुरू में है। ये आप देखिए कि सी एच डिफरेंट कलर से इसीलिए लिखा गया है कि ये एक डायग्राफ है, च की आवाज निकालेगा और जब ए एस ई के साथ मिलेगा तो चेज बनेगा। फिर सी एच जब ए आर एम के साथ मिलेगा तो चाम बनेगा, च की आवाज है। अब सी एच जब फाइनल आएगा मतलब आखिर में आएगा तो टी ओ यू सी एच टच, बी ओ बी यू एन सी एच बंच। तो ये इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन है कि जब इनिशियल पोजीशन शुरू की पोजीशन में चा आएगा तो उसकी आवाज कैसे आएगी, और फाइनल आखिर में एंड की पोजीशन पे जब चा आएगा तो टच, च की आवाज एंड पे आएगी, चेज च की आवाज शुरू में आएगी। इसी तरह से शाह है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, एस एच ए ई आर ई, जब श शुरू में आएगा तो शेयर, एस एच डबल ई पी शीप, एंड पे आएगा कैश, सी ए एस एच कैश, टी आर ए एस एच ट्रैश। फिर थ, टी एच फॉर थ, इसकी इनिशियल साउंड में देखिए थ्रो, टी एच आर डब्ल्यू थ्रो, टी एच आई एन के थिंक। फिर जब एंड पे आएगा फाइनल पोजिशन पे आएगा तो ई ए आर टी एच अर्थ, टी एच आई एन के थिंक, जी आर ओ डब्ल्यू टी एच ग्रोथ। सो दीज आर द डायग्राफ्स जो इनिशियल एंड फाइनल पोजिशंस में उन्होंने आपको बताए हैं, इनको आपने अच्छी तरह से समझना है। डायग्राफ्स मीन पेयर ऑफ लेटर्स दैट मेक अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड, एक वर्ड में पेयर ऑफ लेटर्स, दो लेटर्स मिलके एक आवाज निकालेंगे। उसके बाद ई रीडिंग, रीड एंड से द गिवन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। अब कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की बात आ गई है कि इनिशियल और फाइनल में जब कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आएंगे तो उनकी कैसे आवाज आएगी। कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स मीन कि दो कॉन्सोनेंट्स मिलके, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स मिलके एक आवाज निकालेंगे। देखिए रीड मी के ब्लॉक में लिखा हुआ है टू कॉन्सोनेंट्स कैन ब्लेंड टूगेदर टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड। दो कॉन्सोनेंट्स दोनों मिलकर, ब्लेंड टूगेदर एक दूसरे के अंदर जम होकर, टू मेक अ पर्टिकुलर साउंड, एक खास आवाज निकालते हैं। जैसे इनिशियल ब्लेंड्स में आपके पास आया है एस पी और पी एल, एस पी पी एल पुल। ये एस पी और पी एल दो कॉन्सोनेंट्स हैं जो दोनों मिलके एक आवाज निकाल रहे हैं। ये इनिशियल ब्लेंड है मतलब शुरू में जो ब्लेंड होगा, स्प्रेड प्लांट स्प्रिंकल प्लेस। सो दिस इज द साउंड दैट दीज कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स विल मेक टूगेदर। फिर फाइनल ब्लेंड में एस टी और एन डी, देखिए एंड पे आया हुआ है, फाइनल में है बी ई एस टी बेस्ट, आर ई एस टी रेस्ट, ट की आवाज पे खत्म होगा, साथ एस की साउंड मिलेगी स्ट। इसी तरह से बैंड, बी ए एन डी बैंड, एस टी ए एन डी स्टैंड। सो दीज आर द कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। कॉन्सोनेंट आपने याद रखना है कि ऑल अल्फाबेट्स एक्सेप्ट वोवल्स ए ई आई ओ यू और कॉन्सोनेंट्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट ऑल। Now let's come to the exercise of this consonant blends. Circle the words with the initial and final blends in the given sentences. अब मैंने इन blends को underline भी किया है और word को circle किया है। अब देखिए ये for example, अब आपने यह खुद भी करना है कि the plant is very small। अब इस sentence में plant में देखें, initial पे blend है PL का, ये consonant blend है plant। फिर नंबर टू सेंटेंस, स्पिन द बॉल एंड विन द गेम। अब स्पिन को मैंने सर्कल किया है और एस पी को अंडरलाइन किया है, दिस इज ऑल्सो द इनिशियल ब्लेंड, स्पिन, स्पिन द बॉल एंड विन द गेम। फिर नंबर थर्ड सेंटेंस, बेस्ट ऑफ लक। अब बेस्ट को मैंने सर्कल किया है और एस टी को मैंने अंडरलाइन किया है, एस टी इज द फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड ऑफ इस वर्ड में है बेस्ट में। द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, तो इसमें कॉन्सोनेंट ब्लेंड आपका एस टी है जो फाइनल पोजिशन पे है।
रैपिड इज बिहाइंड द ट्री. अब बिहाइंड में देखिए एन डी आ गया है, एन डी फाइनल पोजिशन पे है और ये कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, इसलिए इसको हमने वर्ड को सर्कल किया है और ब्लेंड को हमने अंडरलाइन किया है. द प्लम्स आर वेरी टेस्टी. अब प्लम्स में देखिए प्ल पी एल हमारा इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड है, इसको हमने अंडरलाइन किया है और प्लम वर्ड को सर्कल किया है कि इस वर्ड में हमारा कॉन्सोनेंट ब्लेंड है और इनिशियल है, शुरू में है, तो हमने स्टार्ट में उसको अंडरलाइन भी कर दिया है कि कौन सा वर्ड ब्लेंड है. आई होप आपको ये समझ आ गई होगी कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की और डायग्राफ्स की. अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं. नेक्स्ट पेज ग्रामर का स्टार्ट होता है. ग्रामर में आज आपने पढ़ना है सिंगुलर एंड प्लूरल नाउंस. आपको पता है कि सिंगुलर अकेले नाउन को सिंगुलर कहते हैं, अकेला एक एक चीज, एक पर्सन या एक थिंग के लिए जो नेम होगा दैट इज सिंगुलर, एंड मोर देन वन थिंग एंड मोर देन वन प्लेस उसको. सो प्लूरल बनाने के लिए हम वर्ड्स के साथ एस ऐड करते हैं. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ ई एस भी ऐड किया जाता है. ये देखिए साइड पे रीड मी के ब्लॉक के नीचे मैंने लिखा है कि वी ऐड ई एस एट द वर्ड्स एंडिंग एट एच ओ एस एक्स. अब ऐसे वर्ड्स जिनके आखिर में एच आएगा, ओ आएगा, एस आएगा या एक्स आएगा, उनके लिए हम ई एस यूज करते हैं. ये देखिए फर्स्ट वाला रीड द फॉलोइंग, इसमें आपको एग्जाम्पल्स दी हुई है. प्लांट, प्लांट के आखिर में टी है तो सिर्फ एस ऐड किया है. सीड, सीड डी पे एंड हो रहा है, सिर्फ हमने एस ऐड किया है. बॉक्स, बॉक्स एक्स पे एंड हो रहा है तो उसमें हम ई एस ऐड करेंगे. आप देखिए मैंने वर्ड्स एंडिंग एट एच ओ एस एक्स, तो एक्स है तो हम ई एस ऐड करके इसका प्लूरल बनाएंगे. ग्लास डबल एस है तो उसके एस पे एंड हो रहा है, उसमें हम जी एल ए डबल एस ई एस लगा के ग्लासेस लिखेंगे. चेंज द नंबर ऑफ दीज नाउन्स बाय एडिंग एस आर ई एस. अब नीचे आपको एक्सरसाइज दी गई है. देयर आर सम वर्ड्स गिवन, सिंगुलर वर्ड्स आर, सिंगुलर नाउन्स आर गिवन देयर एंड यू हैव टू मेक देयर प्लूरल्स. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वर्ड इज ट्री. ट्री के साथ हम सिंपल एस ऐड करेंगे, ट्रीज बन जाएगा. मैच, मैच एच पे एंड हो रहा है, इसके आखिर में आप ई एस ऐड करेंगे, बनेगा मैचेस. फॉक्स, फॉक्सेस. पोटैटो, पोटैटोज. टीचर, टीचर्स. शर्ट, शर्ट्स. तो आप इसमें आप देख सकते हैं आसानी से कि जो वर्ड एच ओ एस या एक्स पे खत्म हुए हैं उनमें हमने ई एस ऐड किया है और बाकी सबके आखिर में सिर्फ हम सिंपल एस ऐड करेंगे तो हमारा प्लूरल बन जाएगा. सो दिस इज अ रूल ऑफ मेकिंग प्लूरल नाउन्स. फॉर दोबारा मैं रिपीट कर देती हूँ कि जब हम सिंगुलर का प्लूरल बनाते हैं तो उसके आखिर में एस या ई एस ऐड करते हैं. तो एस कहाँ ऐड करना है और ई एस कहाँ ऐड करना है, इसके लिए आपने सिंपल आपने ये लाइन याद रखनी है कि जिन वर्ड्स के आखिर में एच ओ एस और एक्स आएगा, ये चार लेटर्स पे जो वर्ड एंड हो रहा होगा उनमें आपने ई एस ऐड करना है और बाकी सब के आखिर में सिंपल आप एस ऐड करेंगे तो आपका प्लूरल बन जाएगा. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज दैट इज अबाउट प्रेपोजिशंस. प्रेपोजिशंस पोजिशन वर्ड्स को हम प्रेपोजिशंस कहते हैं. ब्लॉक रीड मी के बॉक्स में देखिए सम वर्ड्स टेल द पोजिशन ऑफ समवन आर समथिंग. कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो किसी चीज की पोजिशन बताते हैं तो उनको हम पोजिशन वर्ड्स कहते हैं एंड पोजिशन वर्ड्स आर प्रेपोजिशंस, उनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं. रीड द गिवन सेंटेंसेज एंड नोटिस द यूज ऑफ पोजिशन वर्ड्स. अब देखिए यहाँ पे पोजिशन वर्ड्स को डिफरेंट कलर से लिखा गया है, आप इसको नोटिस करें कि वो किस तरह से इस्तेमाल हुए हैं. आई एम गोइंग टू रीड दीज सेंटेंसेज फॉर यू. देयर इज अ टेबल टू द लेफ्ट ऑफ द चेयर. वी वॉच्ड द वैली फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग अप इन द स्काई. शी लिव्स डाउन द हिल. आई वेंट देयर एंड वेटेड फॉर माई बस. Shall we eat here? अब इसमें देखिए to, from, up, down, here, there, ये prepositions हैं जो use हुई हैं इन sentences में. Now there is an exercise for you कि make sentences with the given position words. ये prepositions आपको दी हुई हैं, इनके आप sentences बनाएं. For example के तौर पे मैंने आपके लिए कुछ sentences बनाए हैं. You can make your own sentences. To, go to your room. From, my house is not far from school. Up, please pick up the plate. Down, they sat down at the table. तो इसमें देखिए to, from, up और down को use किया गया है sentences में. They are telling the position of something या
किसी चीज की पोजीशन बता रहे हैं कि आप कमरे की तरफ चले जाएंगे, गो टू योर रूम, दैट इज इन ऑर्डर. माई हाउस इज नॉट फार फ्रॉम स्कूल, प्लीज पिक अप द प्लेट, सैट डाउन एट द टेबल. सो दीज आर द पोजिशन वर्ड्स एंड प्रेपोजिशंस. नेक्स्ट आर पार्ट इज ऑफ राइटिंग. कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग द गिवन वर्ड्स. आपको कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, फ्लावर्स, गार्डन, फ्रेश, केयर, फ्रूट, कलर्स. इनको यूज करना है आपने और पैराग्राफ को कंप्लीट करना है. एंड द पैराग्राफ आपका ये इसी यूनिट में से लिया गया है. साउथ लव्स हिज ग्रैंड फादर्स गार्डन, इट हैज मैनी प्रिटी फ्लावर्स, दे आर ऑफ डिफरेंट कलर्स, साउथ ग्रैंड फादर ऑलवेज टेक केयर ऑफ देम. उसी से रिलेटेड है जो आपने यूनिट पढ़ी है. ग्रैंड फादर ऑल्सो ग्रोज फ्रूट्स इन द हिज गार्डन. वेन एवर ही विजिट्स साउथ ही ब्रिंग फ्रेश फ्रूट फ्रॉम हिज गार्डन. तो ये वर्ड्स हैं जिनको यूज करके हमने इस पैराग्राफ को कंप्लीट किया हुआ है. और आपके लिए एक एक्सरसाइज दी गई है, क्रिएट योर ओन पीस ऑफ राइटिंग यूजिंग द वर्ड बैंक अबव इन योर नोटबुक. अब आपने खुद से क्रिएटिव राइटिंग करनी है. यही वर्ड्स, फ्लावर, गार्डन, फ्रेश, केयर, फ्रूट और कलर्स को यूज करके आपने अपना एक पैराग्राफ बनाना है, अबाउट 5 to 6 सेंटेंसेस. तो ये आपकी एक क्रिएटिव राइटिंग का पोर्शन हो जाएगा. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस ऑल यूनिट. Thank you. Wish you best of luck.